मैं हूँ ट्रिकी विमेन, आई एम नॉट. तो आज मैं आई थी दीदी के घर और मेरे को बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है. सो मैं और दीदी इज बिहाइंड द कैमरा ऑब्वियसली. तो हम लोग निकल गए आज बिरयानी शॉपिंग के लिए. तो दीदी आप बिरयानी शॉपिंग, रॉ मटेरियल शॉपिंग. हाँ तो वही हो ना, उन लोगों को समझ जाएगा. हाँ तो सही कैमरा के सामने है. तो गाइस ये रही आपकी असली ट्रिकी विमेन जो इतने देर से कैमरे के पीछे कमेंट कर रही थी मेरे को. और बहन बताओ हाउ इज इट गोइंग, बिरयानी खाना है? बहुत गर्मी है. हाँ गाइस वो तो सच है, बहुत गर्मी है. सनसेट देख पीछे कितना अच्छा आ रहा है. देख लिया था मैंने. मार्केट आए हैं तो सोचा थोड़ा इस्कॉन के सामने आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन आरती चल रहा है ना इसलिए कवर करके रखे हैं भगवान जी को. तो आज शनिवार है और दीदी को दिख गया है एक शनि टेंपल सजाया हुआ. तो अब दीदी गई है प्रणाम करने. बेचारी मेरी बहन बैग कैरी कर रही है. थैंक यू बहन. और ये अभी ले रही है यहाँ से एग रोल, मतलब बिरयानी भी चाहिए एग रोल भी चाहिए इसको भाई साहब. हेलो डॉगी, हेलो डॉगी, कहाँ जा रही है? आज तो मेरे को पुचका खाना ही है भाई साहब. ढूंढ रही हूँ पुचका ही नहीं मिल रहा. हमने कितना घूमा है आज, कहाँ कहाँ चल गए पैदल. मतलब पूरा मोर्चुमुनी मार्केट देख लिया, इस्कॉन के सामने देख लिया, मिल ही नहीं रहा है. अभी जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? क्लब के सामने चल देखते हैं भाई. अगर वहाँ नहीं मिला तो पता नहीं आज नहीं मिलेगा. चलते जाओ चलते जाओ. ना कष्ट करके आके भी कोई फायदा नहीं है, एक भी पुचका का स्टॉल नहीं है. और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत ग्रॉसरी आइटम्स खरीदने के लिए जोमपुई स्टोर में. कितने सारे चीज़ें हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गई क्या लेने आई थी क्या लेने. गाइस पोटैटो पहले मोटा था, फिर पोटैटो ने सोचा मुझे पतला होना है, फिर पोटैटो जिम गया एंड हियर इट इज, पोटैटो पतला हो गया भाई. गाइस क्या ही मोटिवेशन है. निकले थे घर से खाली हाथ, अभी देखिए इस बस्ता औरत को. बस्ता औरत व्हाट डू यू मीन भाई. एंड फाइनली वी आर एट होम. बहुत पैदल चल लिया आज. क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं, बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत ज्यादा. हाँ सो टायर्ड, इतना पैदल चल लिया. और फुचका का तो मत ही पूछिए, फुचका तो नहीं. हाँ जिसको फुचका खाना था, फुचका के अलावा सारे दुकान थे, मोमो चाट सब था, बट फुचका ही नहीं था भाई. क्या है वो तो बोल, क्या क्या लाए हैं वो दिखा. ये तो मैगी है, दिस इज लाइक शेजवान चिली चटनी दीवा का, बहुत अच्छा है मेरे को. फ्राइड राइस के साथ ये आई मीन परफेक्ट. और ये कुछ जैकपॉट, आई थिंक इसको खाने से कुछ जैकपॉट मिलेगा. And this is top ramen. अब इसको बोल क्या होगा, टॉप टॉप करेगा एग्जाम में. This is टाटा ग्लूको, टाटा ग्लूको. This is orangey flavor and this is lemon flavor. I'll take this. मैं ऑरेंज. और ये वाला मैंने कुछ देखा न्यू मेरे को मिला, कुछ जेली का है तो मेरे को ट्राई करना था. और ये दिस इज द चटनी अगेन, द चटनी अगेन लेमन एंड ब्रू का एक कैफे स्पेशल है वो कॉफी का. एंड दिस इज चना, चना सलाद खाने के लिए. एंड दिस इज ग्रीन मूंग, टेस्टी टेस्टी सलाद खाने के लिए. हाँ आई विल शेयर विद यू गाइस द रेसिपी, मस्त बनता है. मतलब चना ग्रीन मूंग कुकुम्बर दही डाल के, मतलब थोड़ा चाट मसाला थोड़ा ब्लैक पेपर. अभी मतलब खाने का मन कर रहा है. हम लोग कल खाए थे और जो टेस्ट लग रहा था ना, आई मीन गर्मी में पूरा एकदम रिफ्रेशिंग. एंड दिस इज योर एग रोल. यस बिरयानी तो खा रहे हैं रात को, फिर भी तेरे को ये क्यों खाना है बहन? इवनिंग स्नैक्स, भूख लगा मुझे.
तो बेसिकली सब कुछ मिला के बिल आया है कुछ या 318 रुपीस का। सही है, आई मीन इतना सारा प्रोडक्ट लाए हम लोग खाने का चीज़ें, और खाने का चीज़ का प्राइस तो वैसे भी कितना ज़्यादा है GST लगा लगा के, तो सही तो लगेगा क्योंकि पैसा मैंने दिया है तो दूसरों के पैसे के ऊपर तो हमेशा खर्च करना अच्छा ही लगता है मैडम। दूसरा नहीं, तुम मेरी दीदी हो, प्लीज बहना, ओ मेरी प्यारी बहना। नाटक। सो अभी मैं चिकन को मैरिनेट करके थोड़ा देर फ्रिज में रख दूंगी। सो आई विल शो यू मैं क्या क्या यूज करती हूँ मैरिनेशन के लिए। दही, खट्टा दही, मुझे याद है एक बार इसने बनाया था फर्स्ट टाइम, मीठा दही डाला था उसने। ओ भाई वो चिकन तब मेरा फर्स्ट टाइम था। हाँ वही मैं बोली ना फर्स्ट टाइम एकदम। भाई क्या बना रही थी उस दिन, बटर चिकन या कुछ तो था, पता नहीं भाई। थोड़ा सा नमक, हल्दी, और ये जा रहा है नींबू। नींबू आप लोग विनेगर भी डाल सकते हो, डाल सकते हो। बट विनेगर आई थिंक मटन के लिए ज़्यादा सही रहेगा, नॉट फॉर चिकन। ऑलमोस्ट प्रिपरेशन डन, बिरयानी का आलू भी काट लिया, फिर प्याज भी काट लिया, और यहाँ पे मेरी बहन बना रही है रायता। ये वाला दही यूज़ करेंगे जो बचा कुचा है आफ्टर पुटिंग इन द चिकन। बस और ज़्यादा ब्लैक पेपर मत डाल, मेरे को ब्लैक पेपर का टेस्ट पता चला, बट इट विल बी स्पाइसी अदरवाइज। आई केयर, मेरे को स्पाइसी उतना भी हाई लेवल पसंद नहीं है। यूज डिफरेंट स्पून। थोड़ा सा मैंने वाटर ऐड किया ताकि ये कंसिस्टेंसी आ जाए। नाउ इट्स रेडी। मैंने सॉल्ट भी थोड़ा, वो रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट भी थोड़ा सा ऐड किया। काश पुदीना होता, बहुत टेस्टी लगता। अभी टाइम है इसको फ्रिज में स्टोर करने का सो दैट बाद में ठंडा ठंडा रायता खा सके। सो बिरयानी के लिए यूज़ होगा ये फॉर्च्यून का बिरयानी स्पेशल बासमती राइस। तो मैंने चावल को उबाल के यहाँ पे एयर ड्राई होने के लिए रख दिया सो दैट स्टिकी स्टिकीनेस चला जाए। और यहाँ पे मेरा मसाला बन के एकदम रेडी है। आप लोग चिकन बनाने के लिए नॉर्मली जो जो मसाला यूज़ करते हैं, ऑनियन वगैरह वगैरह, वो सब कुछ ही यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली मैंने निकाल लिया चिकन को फ्रिज से आफ्टर मैरिनेशन। अभी चिकन को ऐड कर दूँगी वो मसाला में। और यहाँ पे चिकन को ग्रेवी से अलग कर लिया। पहले ग्रेवी जाएगा अंदर, उसके बाद चिकन ऐड होगा धीरे धीरे करके। सो देखते रहिए। और यूज़ होगा यहाँ पे दाबर का गुलाब जल। तो मेन फंडा ये है कि लेयर बाय लेयर राइस, चिकन, मसाला ये सब ऐड करते रहना है, एक साथ नहीं डालना है। मसाला ऐड करने के बाद एल्युमिनियम फॉयल से कंटेनर को रैप करना है। उसके बाद स्टीम पे डायरेक्टली नहीं चढ़ाना है, पहले एक तवा को चढ़ाना है एंड लो फ्लेम में कंटेनर को रखना है एंड धीरे धीरे लाइक 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में डालना है। और यहाँ पे दम बिरयानी बनके एकदम तैयार है जो कि मुझे सर्व कर रहे हैं माय डियर हस्बैंड। एक्चुअली प्रिपरेशन वगैरह मैंने करके दिया है सारा कुछ, और कुकिंग किया है उसने। तो आप लोग कमेंट पे लिखिए प्रिपरेशन करना ज़्यादा टफ है या कुकिंग करना ज़्यादा टफ है।
अभी जाके बिरयानी खा रहे हैं, इवनिंग से बिरयानी बिरयानी कर रहे हैं। अभी रात का ठीक 12 या इट्स लाइक 12:51 या 11:51 अभी जाके बिरयानी खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो मैं बताती हूँ कैसा बना है। इट्स गुड। एंड यस, इफ यू लाइक दिस कंटेंट देन डू लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।